Hey guys, today I am going to Ooty. Suddenly we have planned and right now we are going to Ooty. Oh my god, it is 3:30 a.m. and we are going to Ooty. I'm going with my friends. See, this is Ujjal and this guy. This is I'm the man. Amit. So let's enjoy and let's see what is there in Ooty. Yo! अभी मैं पहुंच चुका हूं बंदीपुर फॉरेस्ट का अंदर और थोड़ी ही देर में बंदीपुर फॉरेस्ट छोड़ के हम लोग मधुमलाई फॉरेस्ट का अंदर जाएंगे जो कि तमिलनाडु का अंदर है। ये देखिए बंदीपुर फॉरेस्ट का अंदर डियर सब रास्ते का पास में ही है। अभी हम लोग ऊटी में पहुंच चुके हैं और होटल का अंदर जा रहे हैं। हाय, तो अभी मैं आ चुका हूँ ये ऊटी का होटल में। ये द मोनार्क होटल है जो कि मिथुन दा का होटल है। आप सभी को पता है कि ये मोनार्क होटल मिथुन दा का है। तो सडनली हम लोगों ने प्लान किया एट 2 AM, उसके बाद 3 AM घर से निकल के अभी पहुंच भी गया 9:30 हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। अभी होटल में हूँ, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लिया। अभी क्या करना है पता नहीं, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं होटल से बाहर आया हूँ, अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ। पहले लंच, उसके बाद घूमेंगे ऊटी बोटानिकल लेक, ये सब घूमेंगे। चलिए घूमते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊटी लेक के अंदर। अभी बोटिंग करने जाऊँगा। बोटिंग टैरी टू पैडल बोट भी है, 4 पैडल बोट भी है। अभी बोटिंग करने जाऊँगा। चलिए बोटिंग करते हैं।
तो अभी मैं ऊटी लेक में हूँ, बोटिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी हो रहा है, लेक एक्सरसाइज। गर्मी भी है, पता नहीं ऊटी में इतना गर्मी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऊटी नहीं दूसरा कोई जगह में आ गया। कौन सा भैया? तो ये बोट का टैरिफ है 580 रुपीस फॉर 4 सीटर पैडल बोट, जिसमें 290 रुपीस डिपॉजिट होता है और 290 रुपीस आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। टोटल 580 रुपीस ये लोग लेगा। आफ्टर ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद आपको 280 रुपीस रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 30 मिनट्स ख़त्म हो चुका है। तो ये है डिपॉजिट रिफंड का काउंटर, आप यहाँ पे आके डिपॉजिट रिफंड ले लो। अभी मैं ऊटी लेक से बाहर जा रहा हूँ और यहाँ से बोटानिकल जाऊँगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ ऊटी बोटानिकल का सामने, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बार ऊटी बोटानिकल का विज़िट किया, तो अभी मैं नहीं जाऊंगा अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं होटल से निकल चुका हूँ बेंगलोर के लिए। यहाँ से बेंगलोर जाने में 7-8 घंटा लग जाएगा क्योंकि दिन का टाइम है, रोड में जैम होगा, तो 7-8 घंटे तो लग ही जाएगा। और बीच में अगर हम लोगों का टाइम मिले तो हम लोग मैसूर भी घूमेंगे और मैसूर से बेंगलोर चले जाएंगे। अभी मैं वापस बेंगलोर जा रहा हूँ फ्रॉम ऊटी। अभी बंदीपुर फॉरेस्ट के अंदर हूँ। ये
ये इसको फिर मधुमलाई फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जो कि ये तमिलनाडु का अंदर मधुमलाई है और कर्नाटक के अंदर बंदीपुर फॉरेस्ट है। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है बॉल अमित सिंह। ये थोड़ी देर पहले ये उल्टी किया था और अभी रिलैक्स होके बैठा है क्योंकि उल्टी किया था। अभी शर्मा रहा है क्योंकि कैमरे में सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, ये उल्टी किया था। उल्टी मुंह से नहीं, नीचे से। तो अभी मैं बंदीपुर फॉरेस्ट के अंदर हूँ और थोड़ी देर में मैसूर पहुंच जाऊंगा। मैसूर में थोड़ा शॉपिंग करना है, उसके बाद बेंगलोर उधर से जाऊंगा। चलो बंदीपुर फॉरेस्ट आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं रात 8 बजे तक बेंगलोर पहुंच जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल पे। थैंक यू एंड बाय बाय टू एवरीवन।